ड्रेस्ड इन अ ब्लैक सूट विथ अ बो टाई, आयुष्मान खुराना को हमने रिसेंटली स्पॉट किया एक मेंस मैगजीन के कवर पेज की अनवीलिंग पर, फीचरिंग आयुष्मान खुराना हिमसेल्फ इन अ न्यू अवतार। वेल यस, बी टाउन के सिक्स पैक एब्स ब्रिगेड में अब आयुष्मान खुराना का नाम भी ऐड हो चुका है, जिसे लेकर सुपर हैप्पी आयुष्मान दिखे काफी एक्साइटेड। मेरा चेहरा इसमें चॉकलेटी है, लेकिन नीचे अगर आप जाओ तो हॉट हो जाता है। सिक्स पैक एब्स बनाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, तो अच्छा लगता है अगर आपकी मेहनत रंग लाई है। जॉन ने मुझे ये बोला था कि तुझे क्या जरूरत है। अगर हम शर्ट उतारने की बात करें तो सलमान का अंदाज था शर्ट उतारना, आज हर एक एक्टर उनकी कॉपी कर रहा है, चाहे वो शाहरुख हो इन बनी। आई थिंक शर्ट तो शुरू से लोग उतारते आए हैं, पर सिक्स पैक एब्स नहीं होते थे। उतारते हैं मतलब अली कपूर से लेकर धर्म जी से लेकर सबने शर्ट उतारी है, लेकिन अब एब्स नहीं होते थे और तब लोग अपने बाल ट्रिम नहीं किया करते थे। पर अब हम शायद थोड़े और मेट्रोसेक्सुअल हो चुके हैं और हमारे एब अब कम हो गए हैं जो रियल लाइफ के होते हैं। क्या लगता है ऐसा है कि मेरे ये मेरा कुछ मोटिव नहीं था कि मैं एब्स बनाऊंगा तो लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी, मैं एब्स बनाऊंगा तो चार लड़कियां वहां बाहर हो जाएंगी, मैं शर्ट उतारूंगा तो वहां पे कुछ और करने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। शर्ट पहनने का तो आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं जैसे आप थे इसे बोलते हैं बॉडी बिल्डर लैंग्वेज में चोर बॉडी। जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको पता लगता है चोर बॉडी क्या होती है, शर्ट करती तो पता, अरे यार ये तो पता ही लगता तुम शर्ट पहन के कैसे हो। वैसे आयुष्मान की खुशी की एक और वजह है, जो कि है उनकी अपकमिंग बायआरएफ फिल्म स्टारिंग सोनम कपूर एंड ऋषि कपूर। ये फिल्म है लव स्टोरी इन द टाइम्स ऑफ रिसेशन, काफी रियलिस्टिक ओडी स्क्रिप्ट है। नुपुर अस्थाना डायरेक्ट कर रहे हैं, हबीब फैजल ने लिखी है, सोनम कपूर मेरे साथ हैं, साथ में ऋषि कपूर हैं और दो कपूरों के बीच में मैं खुराना हूँ। मैं बेरोजगार हो जाता हूँ, अनएम्प्लॉयड हो जाता हूँ, सोनम इज अर्निंग मोर देन मी एंड ऋषि कपूर इज प्लेइंग एन आईएएस ऑफिसर। अपार्ट फ्रॉम दैट सोनम कपूर इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर एंड उसके अलावा मुझे स्टाइलिंग टिप्स देती रहती है कभी कभी कि आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है ये ठीक है, तो मैं चुपचाप सुनता हूँ, स्टाइलिंग टिप्स लेता हूँ। ऋषि कपूर के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ और काफी डिसअपॉइंट हुए थे सुनकर कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, क्या शराब नहीं पीता क्या कर रहा हूँ कैसा पंजाबी है तू। तो हम खाना खाते थे काफी, कभी सोनू के घर से खाना आता था, कभी ऋषि जी के घर से खाना आता था, मेरे घर से खाना नहीं आता था लेकिन मैं उनके घर का खाना बहुत पसंद करता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी फन मूड में आयुष्मान ने रिवील कर दिया द फैन साइड ऑफ हिज पर्सनालिटी। यू डोंट कम फ्रॉम अ फिल्मिंग बैकग्राउंड, राइट? डू यू फील इंटिमिडेटेड? हाउ डू यू कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल? जस्ट दैट आई जस्ट कंट्रोल मायसेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम। फैन इनसाइड में कभी बाहर आ सकता है। So all in all, here's wishing Ayushman good luck for his upcoming projects and congratulations for the newly developed six-pack abs.